तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं डिप्लोमा इन बिजनेस लॉस की, है ना। वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जो डिप्लोमा करना चाह रहे हैं लॉस से रिलेटेड, और सोच रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने 10 प्रकार के अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज जो है उनके वीडियो बना चुके हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं जाके, बिल्कुल वीडियोस आपको मिल जाएंगे डिप्लोमा कोर्सेज से रिलेटेड। फिलहाल इस वीडियो में जो बात हम करेंगे वो बिजनेस लॉ की करने वाले हैं। इसके अंतर्गत बैंकरप्सी आपने सुना होगा, वो सारी चीज़ें, है ना, रूल्स रेगुलेशंस, कैसे क्या फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है, टैक्सेशन के क्या लॉ है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी इस डिप्लोमा लॉ कोर्स में। ठीक है, तो क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या कैसा फी स्ट्रक्चर होगा, कॉलेज कौन कौन से हैं जो ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आखिर तक वीडियो देखना है ताकि सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व हो जाएं, और दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। चलिए, बिजनेस लॉ की अगर हम बात कर लें तो एक्चुअली क्या है इसमें हम बात करें तो, बिजनेस लॉ में बहुत सारे अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, या फिर कॉरपोरेट लॉ हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, किसके, कमर्शियल एंटिटीज के, इसके अलावा पार्टनरशिप हो गई, एजेंसी, बैंकरप्सी, ट्रांजेक्शंस, टैक्सेशंस, इन सारी चीज़ों के लॉज आपको पढ़ने होते हैं, है ना। उन्हीं में आपको कहीं ना कहीं अपनी श्रेष्ठता को हासिल करना है ताकि जाके आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे काम मिल पाए। फिर हम बात करें क्या क्या कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं ये कोर्स को, तो भाई कोर्सेस में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सिम्बियोसिस है, उसका डिस्टेंस लर्निंग सेंटर जो है वो ये डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स करा रहा है बिजनेस लॉ से, NLSIU बेंगलोर रैंकिंग नंबर 1, फिर वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस रैंकिंग नंबर 4 NIRF की, है ना, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट की ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो भी ये कोर्स, ओपन कोर्स कंडक्ट करा रही है। तो ये आपके टॉपिस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब बात करें इनके फी स्ट्रक्चर की, तो देखो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ऑफर कर रहे हैं, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर जो है वो भी वेरी कर जाता है। क्या रहेगा भाई कोफी, यहाँ पे 10,000 से 60,000 के बीच में आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशन की फीस मिलने वाली है। ड्यूरेशन की बात कर ले तो भाई आपका ये 2 साल का कोर्स हो जाएगा, 1 साल में भी होता है, लेकिन क्या है ओपन वाले कोर्स 2 साल के होंगे, प्रोफिशन उस पर लेवल को, एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा। बाकी अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो 1 साल में हो जाएगा। एलिजिबिलिटी के लिए बैचलर डिग्री होल्डर्स कोई भी, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए तब जाके आप ये लॉ का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। कौन सा, बिजनेस लॉ का। क्या क्या हमें यहाँ पढ़ना होगा, तो हम बात करें यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा कॉरपोरेट लॉ, फाइनेंस लॉ हो गया, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो गया आपका, कैसे क्या डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है अलग अलग, कैसे कंपनसेशन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, इंसॉल्वेंसी हो गया, कॉरपोरेट गवर्नेंस और टैक्सेशन के लॉ, ये सारे सारे मेन जो हैं टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ इस डिप्लोमा कोर्स में कवर किए जाते हैं। तो भाई ये पूरी बात हो गई, क्या क्या हमें पढ़ना है, कोर्स में है क्या क्या, कौन से कॉलेज ऑफर कर रहे हैं, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, यही सारी आपकी प्रमुख समस्याएं रहती हैं किसी भी कोर्स को लेके। तो मैंने, मुझे लगता है ये सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लिया है। अभी भी अगर कोई डाउट बचा है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अपने लिए गाइडेंस चाह रहे हैं या फिर काउंसलिंग चाह रहे हैं या फिर आप कोर्स और कॉलेज को ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या बेस्ट आपके लिए होगा, तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा जिसको फिल करिए, हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करिए और हम आपको एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।